जय हिंद, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। पिछला क्लास में हम लोग सेट का सोल्यूशन दिए, पहला सेट, आज दूसरा सेट है। लगातार हम लोग इस तरह से करते रहेंगे, हर दिन सोल्यूशन होगा और हर दिन सेट होगा, क्योंकि समय कम है। मिशन मोड पर पूरी सरकार चल रही है, वैकेंसी दे रही है, एग्जाम ले रही है और उसके बाद से रिजल्ट दे रही है। हम लोग भी मिशन मोड पर काम करेंगे। एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए आपका, कोई कारण नहीं होना चाहिए, लगातार बने रहिए। चलते हैं सेट के सोल्यूशन की तरफ। पहला सवाल आपका आज ये था, पहला सवाल था कि, और हम नंबर सिस्टम का बेसिक दिए थे और उसमें भी ये क्वेश्चन आपको इंक्लूड किए थे। ये सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं हैं 22, दो संख्याएं हैं आपके, ब्लैक सेल फोन, दो संख्याएं 2272 है और दूसरी संख्या 875 है। कहता है कि प्रत्येक संख्या में से कहता है कि इतना को किससे भाग करें पर समान शेष पर होगा। कौन सी संख्या से इन दोनों में भाग करें, निम्न में से किस संख्या से भाग करें कि शेषफल समान हो। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि दो संख्या रहे या अधिक तीन संख्या रहे, सबका आपसी अंतर निकालते हैं। यहां पर दो ही है तो मैं दो ही का अंतर निकाल लूंगा, दोनों का अंतर निकाल लूंगा। आपको देखो ये 7 5 12, ये बच गया आपका 6 9 7 16 और ये बच गया आपका 1 और 1, 1397। और 1397 आपको डिविडी आज बताए थे कि देखो 1397 कटेगा किससे, लास्ट में आपका दो है नहीं, दो से मल्टीपल, तो दो से वाला से तो कटेगा नहीं, तीन है, तीन से कटेगा, देख लेते हैं। 7 3 10 11 नहीं कटेगा, यानी कि मुझे लगता है कि 3 से नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से कट रहा है क्या, देख लेते हैं अल्टरनेट वाला का। 9 और 1 10 7 और 3 10, 7 और 3 10 देखो रहा है, और 9 1 10, यानी 10 में से 10, यानी कि 11 से कट रहा होगा, 10 में से 10 गया 0, यानी कि किससे कट रहा है। आपको बताए होंगे कि वाला राउंड कीजिएगा और 7 3 10 दिख रहा है, मतलब आपने, आपको हमने क्लास में कैसे बताया कि इन दोनों को जोड़िए और इन दोनों को जोड़िए, 7 3 10 एक एक छोड़ के जोड़ना है, 7 3 10 और 9 1 10, तो 10 में से 10 गया कितना, 0, यानी कि 11 से कट रहा होगा पक्का। आप चेक कर लीजिएगा, 11 से ही कटेगा। अगर 11 से कटेगा तो फिर ये करना क्या है हमको कि जो अंतर आता है ना उसका एचसीएफ निकालते, लेकिन तो तीन संख्या रहता तब ना उनके अंतर का एचसीएफ निकालते, और जो एचसीएफ होता है उससे भागा देते हैं तो शेषफल आपस में समान बचता है। लेकिन यहाँ पर तो एचसीएफ है नहीं, दो तीन संख्या है नहीं कि दोनों का एचसीएफ निकाला जाए, तो क्या कीजिएगा, एक रे तोड़िएगा, ये टूट रहा होगा 11 गुने 11 से कट रहा है, 11 से कटेगा एक बार में, 11 दूना 22 और 7 बजेगा अगर 127 बार में कटेगा, यानी कि 11 गुने 127, अर्थात या तो आंसर 11 होगा, बड़ी से बड़ी संख्या अगर कह रहा है तो 127 होगा, अगर ऑप्शन में 11 नहीं है तो 127 है तो 127 मारिए। यानी कि अगर तीन संख्या रहता तो आपसी अंतर निकालते, अगर एक ही संख्या है तो इसी को तोड़िए और इसको जो काटने वाली संख्या है उससे भागा दे दीजिए, इससे काटने वाली 11 था जो कि ऑप्शन में 11 नहीं था, किसको काटने वाली, जो अंतर आया ना उसका ही एचसीएफ होता है यहां पर, उसको ही तोड़ देंगे हम, तो 127 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखेंगे, कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 16 दिन में करता है और ये अकेले उसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो बोलता है कि बी अकेला किस कितने दिन में करेंगे। सबसे पहली बात तो कि 16 गुने 24 बटा दोनों मिलकर ये था और ये अकेले का, तो 24 माइनस 16 कीजिएगा तो बी का आ जाएगा, यानी कि दोनों कर रहा था उसका। ये अगर बात नहीं समझ में आ रहा है, 16 8 3 24 16 3 48 आ रहा होगा, अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो जो क्लासरूम में पढ़े हैं आप उस नियम को आप ध्यान दिया कीजिए। जैसे क्लास में आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि ए बी का दिया हुआ है, बी का ए का दिया हुआ है, एलसीएम ले लेते हैं, कुछ ऐसा मान लेते हैं काम जो कि 16 से भी कटे और 24 से कटे, ऐसा काम मान लेते हैं और ऐसा काम हो जाएगा 48। अब आपको दिख जाएगा कि दोनों का प्रतिदिन का काम यानी क्षमता 16 3 48 3 आ रहा होगा, इसका क्षमता कितना 2, अर्थात दोनों मिलकर 3 काम, लेकिन अकेले ये 2 काम कर रहा है, तो इसका मतलब बी जो है सो हर दिन कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। और अगर 1 काम के हिसाब से 48 काम करना है तो आपको मैं बता दूं कि टाइम जो लगेगा वो 48 दिन लग जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको स्पष्ट हुआ होगा, इसका आंसर 48 ऐसे या फिर ऐसे आपको 48 दिन हो जाएगा। याद रखिए इफिशियंसी ये जो कर रहे हैं हम, टाइम बराबर वर्क, वर्क अपॉन टाइम जो है सो इफिशियंसी होता है।
और अगर मुझे टाइम चाहिए तो वर्क बटा इफिशियंसी लिखेंगे। ये जब मैं क्लास आपको करवाऊंगा तो उस समय डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी समझिए कि पूरा एलसीएम मान लेंगे, प्रतिदिन का दोनों का काम मान लेते हैं, टोटल काम ही मान लिया 48, और 16 दिन में कर रहा था तो प्रतिदिन तीन, 24 दिन में कर रहा था तो प्रतिदिन दो काम, अगर दोनों मिलकर तीन काम हो अकेले ही दो काम तो प्रतिदिन अकेले ही एक काम, और एक काम के हिसाब से 48 मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, कहता है 15 किस कक्षा में 15 छात्र हैं और उनका औसत 32 kg वजन है, 32 kg वजन है 15 छात्रों का। एक अन्य छात्र कक्षा में 20, एक अन्य कक्षा है, पहला कक्षा ये है, दूसरी कक्षा कोई है अन्य अदर, उसमें 20 छात्र हैं, इनका औसत का पता अता पता नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों कक्षाओं को मिलाकर इनका कुल जो संख्या है वो आपका जो भी कुल संख्या तो 35 हो जाएगा, उनका औसत दल है, कुल दोनों कक्षाओं का औसत दल है 28, औसत को हम एरो करके लिखते हैं 28 हो गया। अब सवाल है कि सर इसको कैसे निकाला जाए, इसको गुना कीजिए आप, इसको गुना करके और फिर इसमें से घटा के फिर 20 से भागा देते हैं, आप वो ऐसा ना करिए, आप क्या कीजिए डायरेक्ट मेथड याद रखिए, मुरकटिया मेथड, डायरेक्ट काटिए इसको, 5 × 3 = 15, 5 × 20 = 20, 5 × 7 = 35, 3:4:7। अब इसको अगर चेंज कर लेते हो आप तो बड़ा आसान हो जाएगा, 3:4:7 कितना हो गया 7 हो गया, और इसको मान लीजिए x, जो निकालना है उसको मान लीजिए x, यानी कि अब सवाल इसको मान लीजिए x, सवाल जानते हैं क्या बन जाएगा, सवाल बन जाएगा 3-4 वाला में इसका वजन 32 kg था, इसका वजन x kg था और औसतन वजन टोटल कितना था 28 kg सभी का, तो हमको निकालना है x का मान, तो निकल जाएगा 32 × 96, सीधा गुना कर दीजिए 32 × 96 प्लस 4x और बराबर में ये दोनों को गुना कर दीजिए 28 × 196 = 56 + 7 = 14 + 5 = 19, यानी कि 96 घटाइएगा तो 4x बराबर 100 हो जाएगा और x बराबर 25 हो जाएगा, ये औसत हुआ। आप एक काम और कर सकते हैं, क्या एक काम और कर सकते थे इसमें कि 15 × 32 लिखते और 35 × कितना लिखते 28 और माइनस लिखते आप कितना, माइनस लिख देते इसको, भागा देते किससे 20 से, ये भी जो आता सो औसतन आ जाता 20 लोगों का, क्योंकि इतना और पूरा का था और ये इतना 15 लोगों का था, तो ये भी आ जाता और ये भी आंसर आ जाता कितना 25। लेकिन अगर ये नहीं समझ, ये समझ में नहीं आया है तो ये यूज कीजिए, नहीं तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल ये जो है एलजेब्रा का सवाल है, जनरली बहुत कम क्वेश्चन जीडी पूछता है एलजेब्रा का, ये सवाल दिया हुआ है तो मैं सोल्व कर देता हूं आपके लिए, 2 + n के बराबर पूछता है, वर्ड प्रॉब्लम पूछता है एलजेब्रा के नाम पर, नंबर सिस्टम का वर्ड प्रॉब्लम पूछता है, एलजेब्रा नहीं पूछता ज्यादा, ये दिया हुआ है और आपको निकालना है x − 1/x³। तो जरा सा सोचिए क्या मैं करूंगा, 1/x लिखूंगा पहले, याद रखिए 1/x करेंगे तो इसको प्लस में है तो माइनस में लिख दीजिएगा तुरंत, 2 + √5 है तो 2 − √5 लिखिए और यहां पर 4 − 5 लिखिए, यानी इनका वर्गों का अंतर 4 − 5 होगा, यहां पर देखिएगा -1 आ रहा है और अगर सोल्व करेंगे इसको तो √5, मतलब आप समझ रहे हो 2 − √5 होगा और नीचे में क्या होगा -1 होगा, इसको सोल्व करके देखेंगे तो √5 − 2 होगा, ये दोनों को जोड़िएगा यान घटाइएगा x − 1/x को, x आपका 2 + √5 है और x − 1/x जो है सो आपका √5 − 2 है, आप जोड़िएगा तो ये मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा आपको 4, और अगर ये मिल गया 4 तो हो जाएगा 4³ कितना 4 × 16 = 64, जो कि आंसर था ए ऑप्शन। जिन लोगों का एलजेब्रा पढ़ा हुआ होगा उन लोगों को ये नजर आ गया होगा, एक बार देखिए वहां पर कि रेड कलर नजर आ रहा है सही सबको कि नहीं, क्योंकि ये कई बार मैं लिखता हूं तो पता नहीं, या फिर मैं ब्लैक यूज करता हूं, सब लोग कमेंट करके भी बताएंगे कि किस कलर में आपको ज्यादा ठीक ठाक लग रहा है, समझ में आ रहा है। किसी रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है, 36 के चाल से भाग रही है रेलगाड़ी, 36 km/ घंटा के चाल से, यदि 132 मीटर लंबे पुल को पार करना है, आपको पता है अगर कोई पुल को पार कर रहा है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई पार करना होगा, किस चाल से 36 के चाल से, कितना देर में तो t समय में, रेलगाड़ी की लंबाई 110 है, कोई भी रेलगाड़ी अपनी लंबाई तथा
पुल की लंबाई दोनों मिला के पार करेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई 110 है और पुल की लंबाई 132 है 36 के चाल से। लेकिन 36 देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, जबकि ये वाला किस में है? मीटर में। अगर मीटर में है और ये 36 किलोमीटर पर आवर में है तो इसको बदलना होगा मीटर में, तो इसमें गुना करना होगा 5/18 से और समय हमारा आपको सेकेंड में आ जाएगा। गुना कीजिए 18 × 36, 5 × 10, यहाँ पर भागा ये देखेंगे ये होगा 242/10t, यानी कि t बराबर 24.2 सेकेंड हो जाएगा। आप क्या कर सकते थे, समय बराबर ऐसे भी लिख सकते थे कुल दूरी, यानी कि 110 + 132, कुल दूरी क्या, जितना ट्रेन की लंबाई है और जितना पुल की लंबाई है दोनों को जोड़कर कुल दूरी और चाल 36। क्योंकि समय बराबर क्या होता है, ऐसे भी निकाल सकते थे कि समय बराबर दूरी बटा स्पीड, तो ये लिख सकते हैं और स्पीड को निकाल देते हैं, ये मतलब मीटर में था तो इसको भी किलोमीटर से बदल देंगे मीटर में, तो ये हो जाता है 5/18। हेलो, समझ पा रहे हैं बात को? बात केवल इतना है कि चाल दिया हुआ था तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी टोटल क्या पार करेगा 110 + 132, और ये काटिएगा तो 18 × 36, 5 × 10, यानी कि 242/10 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 24/24.2। आई होप कि ये बात क्लियर हो रहा होगा। देखो किसी भी क्वेश्चन को बना अगर है तो सबसे पहले अपने बनाइए पॉज करके, अगर हमारे पास सेट लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको पॉज करके बनाइए, बनाने के बाद जो नहीं समझ में आता है तब ज्यादा फ्रूटफुल होगा। देखो जब तक आपको कष्ट नहीं है तब तक आपको रियलाइज नहीं हो पाएगा क्या बनेगा नहीं बनेगा। हमने कई बार बोला है कि कष्ट मस्ट है, अगर जीवन में कष्ट नहीं है तो समझिए कि आपका ढंग से दिशा नहीं चल रहा होगा, आपकी आपके कष्ट के अनुसार दिशाएं सुधरती हैं आपकी, बहुत सारी चीजों को सोच समझ के आप करते हो, नहीं तो यूं ही समय वेस्ट करते रहते हो। तो सबसे पहले सेट देखने का तरीका क्या है, या तो आपको बनाया हुआ हो या तो आप पहले क्वेश्चन को पॉज करके बनाइए और उसके बाद सोल्यूशन देखिए, तभी इंटरेस्ट होगा। नहीं तो आप ये खाना पूर्ति करने में लगे हैं तो अब समय भी आपके साथ खाना पूर्ति करेगा। प्रश्न संख्या 46, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रेट इज सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना है, 5% है और दर से 2 वर्ष में समय दिया हुआ है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि 2 वर्ष का SI और CI का अंतर, CI - SI आपको दे रखा है 15 रुपया। आपको पता है 2 वर्ष के CI और SI के अंतर को क्या कहते हैं, हम D2 कहते हैं, और 2 वर्ष के CI और SI का अंतर क्या होता है, 2 वर्ष के CI और SI के अंतर को कहते हैं P/PR²/100 का स्क्वायर, यानी कि जो 15 रुपया अंतर आ रहा है 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, उतना बराबर क्या लिखेंगे पता है आपको, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है वही तो निकालना है तो पी को रहने देंगे, और रेट दिया है 5% तो 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 5 2 2 बार, और 100 का स्क्वायर यानी कि 100 × 100, डायरेक्ट निकालिए, फॉर्मूला यूज कीजिए, याद रहे आपको ये फिर से आएगा। यहां पर हम 2 साल के CI और SI को क्या कहते हैं, 2 साल के CI और SI को हम, मुझे लगता है कि ब्लैक लेकर देखता हूं, 2 साल के CI और SI को कहते हैं हम क्या पता है, C1 और C2 को, 2 साल के CI और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं D2, और 3 साल के CI और SI के अंतर को बोलते हैं D3। याद रखना है D2 बराबर सदैव हो जाएगा PR², हम बाद में भी बोलेंगे PR² / 100 का स्क्वायर, और D3 बराबर हो जाएगा PR² 300 + R/100 का क्यूब, ये दोनों याद रखना है। अभी इसका पहले वाला का यूज कर रहा हूं मैं, इसका अगर देखो हमारा क्या दिया हुआ था, 15 दिया हुआ था, 15 बराबर प्रिंसिपल निकालना था और R² दिया हुआ था आपका 5%, तो 5 × 5 और बटा में हमारा 15 ये यहाँ है और बटा में हो जाएगा 100 का स्क्वायर यानी 100 × 100, तो आप देख रहे होंगे 20 × 25 = 100 या 25 × 100 हो जाएगा ये, और 15 × 60 यानी कि 6000 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर कीजिए कि
दो साल का रहेगा डायरेक्ट फॉर्मूला, तीन साल का रहेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। सी आई और एस आई अंक का अंतर जब मैं साधारण ब्याज बताऊंगा तो उसमें इसको डिस्कस करूंगा, आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। प्रश्न संख्या अगला देता है, 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। टोटल मिश्रण 60 लीटर है, उसमें मिल्क और वाटर जो है सो 2:1 में है। कहता है इसमें कितने लीटर पानी और मिला दें, कितना लीटर पानी जोड़ दें कि यहां पर वाटर जोड़ दिए कि नया अनुपात जो है सो क्या आ जाए 1:2 हो जाए। तो क्या कीजिए, 60 लीटर दल है दिया हुआ है, आप क्या कीजिए कि इसको बांटिए, 2 और 1 3 बराबर 60 दल है, और 3 यूनिट बराबर कितना दल है 60, तो 1 यूनिट बराबर 20, तो 20 × 40 और ये 20 का 20। अब कह रहा है कि 40 लीटर था और 20 लीटर था, क्योंकि इससे दुगुना था तो 60 है तो इसका मतलब 20 होगा, ये 40 होगा। अब कह रहा है कि ऐसा अनुपात बनाइए कि इससे ये वाला दुगना हो जाए, तो इससे दुगना होने के लिए 40 × 80 होना चाहिए ये वाला, यानी कि इसमें जोड़ना होगा कितना लीटर 60 लीटर। अरे भाई ये 40 से दुगना करवाना है, इसको कितना पानी मिलाना होगा, पानी है ये और ये मिल्क है, मिल्क 40 है और ये पानी 20 है, अब इसको दुगना करवाना है 40 का दुगना, 40 का दुगना 80 होता है और पहले से 20 में वाटर है ही, पानी है ही, 20 में कितना जोड़ेंगे 60, आंसर इसका हो जाएगा 60। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, आगे का सवाल कह रहा है कि अनु और मनु की आयु के बीच का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। वर्तमान में अनु और मनु जो है, अनु और मनु ये 3:1 में है। यदि 10 वर्ष बाद की आयु, 10 वर्ष बाद की अनु की आयु आपका दे रखा है, अनु और मनु की आयु, मनु की आयु के दुगना है, 10 वर्ष बाद ये दुगना है, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात क्या था, हमको निकालना है 5 वर्ष पहले किसका अनुपात निकालना है, अनु और मनु जो भी है। आपको पता है ना वर्तमान और 10 वर्ष बाद में कितने का अंतर है, 10 साल का अंतर है, और 10 साल दोनों बढ़े होंगे, बराबर बराबर दोनों बढ़े होंगे, लेकिन यहां पर बराबर बराबर बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा है, बराबर बराबर नहीं दिखता है तो बैलेंस कीजिए, यहां पर अंतर 2 है, यहां पर अंतर 1 है, अगर आपको बराबर बराबर बढ़ा हुआ नहीं दिखे तो बैलेंस करना है, यानी कि इसमें 2 से गुना कीजिए, इसमें 1 से गुना कीजिए, ये 3:1 हो जाएगा और दुदनी 4:2 हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कितना बढ़ा है, आप देखिएगा दुदू बढ़, सॉरी 1:1 बढ़ा है, और यहाँ 1 बराबर कितना वर्ष है, कितना बढ़ा है 10, यानी कि आप लिखेंगे कि 1 बराबर 10 वर्ष, 1 बराबर 10 वर्ष, तो वर्तमान उम्र निकालना है, अगर वर्तमान उम्र निकालना है किसका, वर्तमान अगर मुझे निकालना है अनु का, तो अनु के लिए जानते यहां पर आप जो बैलेंस है सो 3 है और ये 1 है, तो 10 × 30 और 10 हो जाएगा, ये अनु का और मनु का, मनु का हो जाएगा 10, क्योंकि 1 बराबर 10 हो गया तो 3 बराबर 30 और 1 बराबर 10 ये रियल निकल जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है बात, ये बैलेंसिंग क्या होता है, कितना बढ़ रहा है बराबर बराबर 1:1, देखो यहां पर दोनों में 10-10 बढ़ना चाहिए था, लेकिन एक जगह कम रहा है एक जगह बराबर हो रहा है, यानी कि बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने पर पता लगा, बैलेंस करने का तरीका अंतर को उल्टा पलटी गुना कीजिए, और बैलेंस करने पर पता लगा कि 1:1 बढ़ रहा है, तो 1 बराबर 10 लिखा, तो 3 बराबर कितना 30 और इसका 10, अब दोनों का 5 वर्ष पहले, तो 30 का 5 वर्ष पहले 30 − 5 और 10 − 5, यानी कि आप यहां पर समझ सकते हैं कि ये 25 और ये 15, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5:3 यहां पर नजर गलत हो गया क्या, 5 हो गया यहां पर गलत घटा दिया, 5 हो गया, 5 × 5 = 25, 5:1 होगा इसका आंसर। तो देखो ये चीज है, लेकिन अगर आपको नहीं अभी पता है ये बैलेंसिंग नहीं पता है तो आप कुछ नहीं करो, 3x/x और इसमें जोड़ दो 10 10 साल और 10 साल जोड़ने के बाद पुट करिए कितना, तो 2:1, यहां से x निकालिए, x निकाल के मन अनु और मनु का उम्र निकल जाएगा, अनु और मनु का उम्र निकालने के बाद फिर उसमें 5 5 घटा दीजिए, बात सिंपल सा है, मुझे लगता है कि बात क्लियर हुआ है। ये यहां से अनु और मनु का निकल जाएगा, क्रॉस गुना करके x निकालिए, अनु का निकालिए, मनु का निकालिए और उसमें 5 घटाइए, निकल जाएगा, लेकिन बैलेंसिंग जानते हैं तो आसानी से होगा, बशर्ते कि उसमें एक्सपर्ट आपको होना चाहिए या पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब यही देखिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई में 200% की वृद्धि हुआ, कोई आयत है उसका लंबाई और चौड़ाई जो पहले था उससे बाद में 200% बढ़ गया,
200% का मतलब होता है दो गुना, क्योंकि 200% परसेंट का मतलब होता है 1/100, इसीलिए दो गुना, यानी दो गुना बढ़ गया। अब दो गुना बढ़ने का मतलब ये एक था तो दो बढ़ गया तो ये तीन हो गया होगा, यानी पहले लंबाई एक था तो अब दो बढ़ गया है तो एक में दो बढ़ेगा तो तीन हो गया, बाद में लंबाई चौड़ाई भी बढ़ा है तो एक ये भी चौड़ाई पहले एक होगा तो अब हो जाएगा तीन, ये गुना करेंगे एक होगा तीन तीन नौ होगा, यानी कि एल इंटू बी एरिया जो होता है वो पहले वाला एक रहा होगा तो अब हो जाएगा नौ। बढ़ा कितना एरिया ये पूछ रहा है, क्षेत्रफल कितना बढ़ा है तो क्षेत्रफल बढ़ा है यहाँ पर आठ, कितना से आठ बढ़ा है तो ये बढ़ा है एक से, एक से अगर आठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखेगा, आप निकालिए 100% से गुना करके आंसर आएगा 800% आंसर है इसका सी। तो ये सब सब मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और इसे मेंसुरेशन जब हम प्रतिशत पढ़ेंगे और मेंसुरेशन पढ़ेंगे दोनों को मिलाकर सवाल है, तमाम क्वेश्चन आपको मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा। फिर से देखिए यहाँ पर भी प्रतिशत का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सवाल कह रहा है ना कि चीनी के भाव में 60% बढ़ा, यानी पहले चीनी का जो भाव था उससे 60% बाद में हो गया बढ़ के, अगर दाम आपका 60% बढ़ा है यानी 100 से हो गया है 160, कहने का मतलब ये 20 से 10 कैंसिल, 5 × 10 8 × 16 यानी कि दाम 5 से 8 हो गया, ठीक है। अगर दाम 5 से 8 हो गया और गृहिणी अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहती है तो सामान उसको कम करना होगा, खपत उसको कम करना होगा, कम खर्च करना होगा, खपत करना होगा, खपत कम कर देगी 8 से 5 कर देगी तो उसका गृहिणी का, जब भी ऐसा रहे कि दाम 5 से 8 हुआ तो पलट दीजिए 8 से 5 खपत हो जाएगा, तो ऐसे केस में इसका बैलेंस हो जाएगा, गृहिणी का खर्च नहीं बढ़ेगा, खपत कम, चालाक गृहिणी होनी चाहिए, और नौकरी करोगे तो गृहिणी चालाक मिलने की पूरी संभावना है, नहीं तो बड़ा दिक्कत है। और यहाँ पर देखिए कितना खपत कमा है, जरा सा खपत पूछ रहा है कितना कम करना होगा, खपत करना होगा कम कितना 3 खपत कम करना होगा और 3/8 कितना परसेंट है, ये प्रतिशत पूछ रहा है खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी होगी, तो कितना कम करना होगा 3, कितना में 8 में, यहां पर लिख सकते हैं कि खपत में कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत कैसे निकलेगा ये खपत में कमी प्रतिशत, गुने 100% लिख दीजिएगा और खपत में कमी प्रतिशत निकल जाएगा आप, ये हो जाता है 37.5%, क्योंकि 12.5 का 3 गुना है ये, मैं प्रतिशत बताऊंगा उस समय डिस्कस करूंगा। तो एक चीज सीखने को मिला कि कभी भी खपत में ना वृद्धि हो तो दाम जो बढ़ा है उसका उल्टा खपत कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा और नजर आ जाएगा आपको कितना खपत में कमी करनी होगी। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, संख्या से एक क्वेश्चन है जिसमें 1000 में जोड़े तब कटे, जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 15 से कटे, 1000 में कोई संख्या ऐसा जोड़ा जाए कि 15 से कटे तो 15 से ऐसी भागा दे दो, 15 × 90, सवाल पहले समझिएगा, 1000 में छोटी से छोटी संख्या जो जोड़ने पर 15 से कट जाए वो बताइए कौन सी संख्या जोड़ा जाएगा, तो पहले भागा दे लेते हैं कितना, देखते हैं बचता है, ये 10 बचा, एक बार और उतरेगा, एक बार और लाएंगे ऊपर से, 15 × 90 यानी कि आपको फिर से 10 बच गया, अब 10 से जो बचा है 15 से कटवाना है तो कितना जोड़ना होगा, 10 × 5 = 15, 5 अगर जोड़ देते हैं इसमें यानी पूरी संख्या में ये 15 से कट जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर 10 बचले था और कितना जोड़ दें इसमें कि कट जाए 15 से तो 5, यानी पूरी संख्या में कितना जोड़ना होगा 5, यानी संख्या जो कटने वाला होगा 1000 5 है सो 15 से कट जाएगा, आप काट के देख सकते हो। जिनको समझ में नहीं आता है ये तार्किक सवाल सभी नंबर सिस्टम के बेसिक सवालों में से है जो कि अभी आपको करवाया जा रहा है। प्रश्न संख्या देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में, देखो कल भी आया थे सेट में और आज भी आया है तो केयर करिए बाबू, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, धीरे धीरे अगर सीखेंगे बहुत सारी चीजें डिस्कस हो गई होंगी। 2 साल का एसआई दिया हुआ है, कितना 2 साल में इतना और इतना हो जाती है का मतलब अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि 2 साल का अमाउंट इतना है और 5 वर्ष का अमाउंट कितना है, तो 5 वर्ष का अमाउंट हो जा रहा है आपका 3250, 5 साल का अमाउंट कितना हो जाएगा 3250 और 2 साल का अमाउंट कितना है 2800। आपको बताया थे कि जब अमाउंट को घटाओगे ना, जो मूलधनों को घटाओगे तो मूलधन कट के ब्याजों का अंतर आता है, ये जो आएगा सो ब्याज का अंतर होगा, यानी कि समय कितने साल का, 3 साल का ब्याज आ जाएगा, ये
सर अमाउंट को घटाएंगे, मृषधन को घटाएंगे तो ब्याज कैसे आएगा? जब भी मृषधन को घटाएंगे तो उसमें से मूलधन मूलधन कट जाएगा और ब्याज का अंतर आएगा, और ब्याज का अंतर आपका कितना आ रहा होगा? 450। 450 तीन साल का ब्याज है, तो आपको पता है दो साल का ब्याज क्या होगा? तीन साल का ब्याज 450, तीन साल में 450 रुपए ब्याज मिल रहा है, और हर साल ब्याज बराबर प्राप्त होता है, तो दो एक साल का ब्याज कितना? 150 रुपए। अरे तीन साल में 450 रुपए, तो एक साल का ब्याज 150 रुपए, दो साल का ब्याज 300 रुपया, यानी कि 300 रुपया ये दो साल का मृषधन जो था ना उसमें 300 रुपया ब्याज था, यानी कि 2800 में 300 रुपया ब्याज अगर है घटा देते हैं ये तो आपको अमाउंट में, तो हमको प्रिंसिपल मिल जाता है। प्रिंसिपल मेरा मिलेगा कितना? 2500 रुपया, जो कि यहाँ पर दे रखा है 2500। हाँ, ऐसे भी कर सकते थे कि 5 साल का ब्याज निकाल के इसमें घटाते तब भी आ जाता प्रिंसिपल, तो मुझे लगता है कि प्रिंसिपल 2500 है। अब प्रिंसिपल निकल गया है, ब्याज निकल गया है, तो रेट निकाल सकते हैं। दो साल का ब्याज कितना हो जाएगा ये? 300 रुपया नहीं, तो अब हमें अगर रेट निकालना है तो हम ब्याज लिखेंगे 300 गुने 100 बटा मूलधन यानी 2500 और गुने समय, तो कितना समय में 300 था, तो 300 था कितना समय में? दो समय में। लेकिन जब आंसर पता लग रहा है तो उतना करने की आवश्यकता एकदम नहीं है, डायरेक्ट बनाइए, मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या देखिए 23, अगला सवाल देखिएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 53। रवीश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा, रवीश पढ़ रहा है कितना? 4/5 भाग। आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रवीश ने पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा, जबकि सोमा जो कि पुस्तक पढ़ रही है उसने उस पुस्तक का केवल 5/8 भाग पढ़ा। मतलब क्या है कि एक पुस्तक है उसका 4/5 भाग रवीश पढ़ा है, और सोमा जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उस पुस्तक का केवल 5/8 भाग पढ़ा है। हालांकि उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी पुस्तकों के 120 पृष्ठ पढ़ने अभी शेष हैं, दोनों को 120 पृष्ठ पढ़ना भी शेष है, तो रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या कितना हिस्सा पढ़ा है? अपने ही समझ रहे हैं बात, पहले तो ये ध्यान दीजिए, इतना लंबा भाषा दिया है तो समझ में नहीं आ रहा होगा। 4/5 रवीश पढ़ा, 5/8 भाग पढ़ा दूसरा व्यक्ति जो कि सोमा नाम है, दोनों अलग अलग पुस्तकों को पढ़ा है, पहले 4/5 भाग पढ़ा है और सोमा पढ़ा है 5/8 भाग, और अपनी अपनी पुस्तकों को ये दोनों पढ़ गए हैं कितना पृष्ठ? 120 पृष्ठ, दोनों पढ़ गए 120 पृष्ठ, नहीं 120 पृष्ठ पढ़ नहीं गए हैं, 120 पृष्ठ अभी पढ़नी बाकी है। तो एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि 5 कुल पृष्ठ है, कुल 5 पृष्ठ होता तो पढ़ा कितना? पढ़ा 4 और शेष बाकी है 1, 5 पृष्ठ में से किसके किसका है? ये रवीश का है, ये रवीश का है कि पढ़ा कितना? 5 में से 4 पढ़ा और 1 शेष है। और सोमा का जो स्थिति दे रहा है वो टोटल नीचे वाला को कुल मानते हैं ना, यहां पर इसीलिए 5 माने हैं कुल, नीचे वाला कुल माने, यानी कि कुल अगर 8 पृष्ठ है तो उसमें पढ़ा कितना है? 5, पढ़ा कितना है? 5 और शेष बाकी कितना होगा? 3। समझ में आ रहा है बात, पढ़ा 5 है, शेष बचा है 3। अब प्रत्येक अपनी पुस्तकों का 120 अभी शेष बाकी है, जरा सोचो कि दोनों शेष बाकी है सो 120 है, यानी कि यहां पर इसका जो एक है सो 120 है, तो क्या नहीं लग रहा है जो शेष बाकी है वो 120 दोनों का है? प्रत्येक का अभी 120 पृष्ठ बाकी है, शेष बाकी है, अगले पृष्ठ में दे रखा है शेष बाकी है, यहां पर देखिए कह रहा है कि अभी पृष्ठ पढ़ने शेष बाकी है, यानी कि पढ़ना शेष बाकी है कितना? तो बाकी है 120, अब इसका 120 बाकी है, 1/120 तो बरचम का 48 यानी 480 पढ़ा होगा ये, अरे 1/120 तो 4/480, 3/120 है तो पंचम का 20 यानी 200, सोमा 200 पढ़ी है, 120 पृष्ठ बाकी है, और इसका भी 120 पृष्ठ बाकी है लेकिन ये पढ़ गया 480। सवाल यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये पढ़ा है कितना रवीश? 480, और ये पढ़ा है कितना? 200। यहां पर कह रहा है कि तो रवीश द्वारा जो कि 480 पढ़ा गया
और सोमा ने जो कि 200 पढ़ा, सोमा पढ़ा कितना 200 और रवीश पढ़ा कितना 480, पढ़ा वाला भाग, चूंकि नहीं पढ़े थे दोनों कितना 120, पढ़े 480 और 200, कैसे आया यहां समझिएगा, इनका पढ़ा और ना पढ़ा का अनुपात निकाल दिए, और ये वाला 1 बराबर 120 दे रहा है तो 4 बराबर 480, 3 बराबर 120 दे रहा है तो 5 बराबर 5 चमका 20 200। अब आपको यहां ध्यान देना है, पढ़ा है रवीश कितना 480, सोमा कितना 200। पूछता है कि सोमा ने रवीश के पढ़े पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है, सोमा 200 का कितना हिस्सा रवीश पढ़ा है, रवीश का कितना है, रवीश को नीचे रखें, किसका कह रहा है, रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का, रवीश का नीचे रखना है और सोमा का ऊपर, काट के देखिए कितना भाग। तो ये सवाल थोड़ा सा आपको पहली बार में कितना भाग पढ़ा है सो पता लग जाएगा, यहां पर देखिए काटिएगा तो 1 0 से 1 0 5 का 20 5 48 यानी कि 5/12 भाग रवीश के पढ़े का सोमा पढ़ी है, सोमा 200 पढ़ी है और ये 480 पढ़ा है, यानी कि 5/12 भाग सोमा पढ़ गई है रवीश के, निकालिए ना इसका 5/12 करेंगे तो 200 आ जाएगा, 5 48 और 5 का 20 200, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5/12। सवाल अगले की तरफ, ये दोनों को मिलाकर आपको समझना होगा। अगला सवाल है आपका कि आठ सेंटीमीटर समबाहु, देखो जब दो दो दे रहेगा आंसर, यहां पर दो क्वेश्चन एक पहले भी था, यहां पर कहता 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल और ऊंचाई क्या होगा, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई, तो भाई 8 सेंटीमीटर भुजा है तो क्षेत्रफल तो ऐसे निकाल लेंगे, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 और जो भुजा दिया गया है उसका स्क्वायर कीजिए, तो √3/4, अब भुजा की लंबाई कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए 8 64 √3/4 × 64 16 × 64 √3 आ रहा होगा कितना क्या क्षेत्रफल, क्योंकि 16√3 क्षेत्रफल वाला है तो इसी को मारिए। अब रह गया कि ऊंचाई कैसे निकालते सर, ऊंचाई आपको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। समबाहु त्रिभुज में एक टर्म है ICMS, ये 1√3 2√3 ये मेडियन है या ऊंचाई भी बोलते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज का इन रेडियस है सरकम रेडियस है और ये साइड है, अगर साइड दिया हुआ है तो हाइट निकालना है तो 3 रखिए, साइड मेरा 2√3 है तो हाइट 3 होगा या मेडियन 3 होगा और इन रेडियस और सरकम रेडियस सॉरी इन रेडियस और सरकम रेडियस ये ही पूछते रहता है हमेशा, और ये जो 2√3 दिल है वो आपका 8 सेंटीमीटर दिल है, तो अगर मेडियन निकालना है हमको या हाइट निकालना है हमको तो हमको लिखना होगा 3, जो कि काटिएगा तो √3 से √3 यानी 4√3 आ जाएगा, तो इसका आंसर बी था। ये वाला पार्ट आपको समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक कि हम क्लास में ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन जिनका पढ़ा हुआ है ये बात को बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। ICMS का मतलब स्पीड मैथमेटिक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपके कोचिंग के नाम पर इसका रखा गया है, और ये चीजें समबाहु त्रिभुज पर के सभी सवालों का समाधान करता है ये तरीका, इसलिए इसको अपने कोचिंग के नाम पर ICMS रखा गया है। अगला सवाल देख रहे हैं हम 55 क्वेश्चन नंबर है कि 20 - 2 25% 25% का मतलब कितना होता है पता है, 25% का मतलब होता है 1/4 का यानी गुना 15 × 8/6 + 12 और ऐसे, तो अब इसको करना है तो 20 - 2 15 × 120 तो 1/4 × 120/6 + 12 ऐसा होगा और इस तरह का, यानी 20 - 2 1/4 इतना नहीं करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा 20 × 120 20 और 12 कितना अस्टेब, हालांकि भागा की क्रिया पहले करना है, 15 × 120 डायरेक्ट इसलिए कर दिए, यहां पर बाद में करना है इसका, 15 × 8 रखिए और फिर 6/2 रखिए, आपको ये 15 × 120 तो 20 × 120 दिख रहा होगा, 20 और 12 कितना 20 और 12 32 हो जाएगा, ये 32 दिख रहा होगा, 8 × 32 8 × 16 यानी कि अल्टीमेटली ये 4 आपको दिख रहा होगा,
लेकिन सतर्क होकर कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन साधारण होता है, लेकिन अगर आंसर नहीं आता है तो फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा, ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा तो, और थोड़ा सा दुर्घटना, थोड़ा सा आप असावधान रहें, आपको निश्चित तौर पर कोई ऑप्शनों में से टकर जाएगा और गलत मार्क निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि केयर करना है इस तरह के सवालों को। और अगला सवाल है आपको, 500 कारीगरों की औसत मजदूरी 200 रुपया थी, औसत से एवरेज से 500 मजदूरों की औसत मजदूरी कितना थी, 200 थी। बाद में पता चला ये 200 जो है, सो बाद में पता चला कि दो कामगारों की मजदूरी 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पढ़ लिया गया। अच्छा, ये सही था 80 और 220, लेकिन गलती से पढ़ लिया गया कितना, 180 और 20, जिसके कारण 500 का मजदूरी कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। 200 रुपये इसलिए हुआ क्योंकि गलती पढ़ लिया गया, 80 को पढ़ लिया गया गलती से 180 और 220 को 200, यानी कि टोटल सही में 300 रहना चाहिए था लेकिन हो पाया 200। यही दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि जानते हैं 100 जो है सो कम गिना गया है इसमें। अगर 100 गिना जाएगा और तो 200 से और ज्यादा मजदूरी होगा औसतन, तो 100 जो ज्यादा हो रहा है वो कितने लोगों का, 500 लोगों का, और काटिएगा तो 200 प्लस 1/5 यानी कि 200 प्लस 0.2 यानी कि 200.2 रुपया कहीं अगर है, 20 रुपया है, 20 पैसा है ऐसा, 200 रुपया 20 पैसा, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, पी। आपको ये औसत में पढ़ना है, आपको जब गलती होता है त्रुटि होता है तो ये टाइप सी है, एक आपको केयर करना है। ये तमाम सवाल आपको बताया जाता है क्लास में और आपको बताया जाएगा तमाम चीजें, और नहीं तो इन प्रश्नों से तो सीख ही रहे हैं कि अच्छा गलती होगा 100, सही होगा 100, उसको घटाएंगे और उसके बाद देखेंगे। एक व्यक्ति एक मोटर कार को 10,000 रुपया में खरीदता है, खरीदा और इतना पर छूट दिया गया 25%। अब पता है आपको छूट किस पर दिया जाता है, एमपी पर, तो एमपी पर यानी कि इस वस्तु का बढ़ा के दाम रख दिया गया था कितना, सीपी का यानी क्रेमुल का बढ़ाकर दाम रख दिया गया था कितना, 12,500। ये एमपी यानी कि अंकित मूल्य है। अब देखिए कह रहा है कि 25% बट्टा पर बेचता है, इसको 25% छूट दे दिया और तब बेचा, इसका 25% छूट देंगे तो कितना होगा, बेचेंगे कितना में, इतना को 25% छूट, यानी 25% का मतलब कि 75/100 में बेचेंगे हम इसको, और 75/100 में बेचेंगे तो ये कितना में बिकेगा, 00 हो गया, यहाँ पर गुना करिएगा तो 25 हो जाएगा 125 गुने, और 7 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 और 67 = 84 और 3 = 87, यानी कि कुछ इस तरह से मिलेगा, पांच से गुना किए पहले 125 गुने 5 क्या होगा 625, और 7 से गुना किए तो 7 × 5 = 35 बरसते 84 और 3 = 87, 5 × 5 = 7, 7 × 6 = 13 और ये 900, यानी कि इतना पर कितना जीरो हो जाएगा, इतना पर आ जाएगा यानी कि 9375 पर एक जीरो हो जाएगा, यानी कि इसको नुकसान हो जा रहा होगा। देखिए इतना में बेच दिया डिस्काउंट देके, लेकिन खरीदारी इसको खरीदारी पड़ा था 10,000 और 9, ये कुछ गड़बड़ हुआ, 00 से कट गया है, ये कटेगा, 10,000 था यहां पे और यहां पर आपका ये 12,500 था, 1,25,000 था और यहां पर गलती लिख रहा हूं मैं, ये 00 था, ठीक है ना, तो यहां पर ये जीरो आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 93,000 आ रहा है, ये 1,00,000 था, हैं 1,00,000 था और ये 1,25,000 था, इस पर डिस्काउंट देके जो मिला है वो 93,750 मिला है। कैलकुलेशन अपना कीजिएगा, यानी कि 93,750, जिनको नहीं कुछ समझ में आता है ऐसे बनाना है, नहीं तो मेरे पास बहुत बेहतरीन तरीका है जो मैं क्लास डिस्कस करूंगा क्लास में, उसके बाद बताऊंगा, अभी फिलहाल समझिए कि इतना रुपये खरीदारी है और बेचा कितना में है, बेचा है वो 93,000 में, यानी कि फायदा कितना हो रहा है, 10,000 ये 1,00,000 में खरीदा है और बेचा है 93,750, तो इसको फायदा नहीं क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो सबसे पहले तो लाभ वाले गए काम से, हानि का कोई होगा। अब देखो यहाँ पर 0, 5 ये बच गया, 9 में से 7 गया 2 और ये बच गया 9 में से 3 गया 6 और ये
6250 रुपया 1,00,000 पर हानि हो रहा है, 1,00,000 पर 6250 रुपया हानि हो रहा है, तो कितना परसेंट हानि हो रहा है? हानि परसेंट बराबर निकालेंगे हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। जिनका बेसिक होगा वो जानते होंगे, और ये दो जीरो से दो जीरो नहीं बल्कि तीन जीरो से तीन जीरो कटेगा, और 25 25 25 25 से 625 और 25 चौका 100, 25 बटा 4% होगा, यानी कि 6 चौका 24 एक 25 बटा 4%। ये तो हो गया एक सिंपल तरीका जिसके तरह से बनाना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि देखो होता क्या है, ये आसानी से बनेगा। कैसे बनेगा आसानी से? बहुत आसानी से बनेगा अगर आप जानते हो तो। देखो कोई भी अगर 1,00,000 का सामान है और उसको बढ़ा के रख दिए हैं 125,000, तो पता है कितना बढ़ा दिए आप? ये क्रय मूल्य से अंकित मूल्य बढ़ा के, वस्तु का दाम बढ़ा के रख दिए, अंकित मूल्य बढ़ा कर रख दिए, तो कितना बढ़ा कर रख दिए पता है? काटिएगा तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल, और 25 चौका 100 और 25 पचे 25 से, यानी कि 4 वाला वस्तु का दाम 5 बढ़ा कर रख दिए, यानी कि बढ़ा के जानते हैं कितना रखा आपने? बढ़ा के रखा आपने 1/4 से 5 बढ़ा कर रखा दाम, और फिर क्या कर रहे हो आप? 4 से 5 दाम बढ़ाए आप, और फिर 25% काट दे रहे हो, छूट दे रहे हो, यानी कि 25% का मतलब कितना? 1/4 छूट जा रहे हो, यानी 4 वाला सामान 3 में बेच रहे हो। पहले आपने बढ़ा दिया फिर कमा दिया, यानी कि 4 चौका 16 का सामान 15 में बेच रहे हो। ये चीज समझने के लिए क्लास समझना जरूरी है बाबू। यहाँ पर कितना कम हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, यानी कि 16 रुपए के सामान को 15 में बेच रहे हैं, यानी कि लॉस कितना हो रहा है? 1/16 कितना परसेंट है? 1/16 डायरेक्ट पता लग जाएगा कि ये है 125/2% है, सॉरी 25 बटा 4 चौका 16 25 चौका 100 ना, तो 25/4% जो कि वही होगा। आप इतना समझिए कि इस तरीके से भी तुरंत बनाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन में फंसना होगा जब ये तरीका आप नहीं जानते होंगे तो। मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा आपको तमाम बातें, नहीं तो क्लास करेंगे समझ में आएगा। ये तो समझ में आया ही होगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा, आप समझ रहे होंगे। अगला सवाल देख रहे हैं, प्रश्न संख्या आपका 58। इसको भी मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं, जिस तरह से आपको क्लास में बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस का दो तीन सवाल डिस्कस चुन लिया, डिस्कस किया गया। एक और सवाल है बेईमान वाला, याद रखिएगा बेचते समय कभी भी लाभ 25% या कुछ भी हो रहा है, तो ये लाभ जो 25% हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बेचना चाहिए था तौल ज्यादा देकर, उस तौल को गलती से कम तौल के बेचता है। ये सवाल को ज्यादा से पहले समझिएगा, लाभ हो रहा है 25%। 25% का मतलब होता है कि खरीदारी सीपी 25% का मतलब 1/4 लाभ होता है, यानी खरीदारी 4 रुपये का तो बेचता होगा 5 में, ठीक है। और जो बेचते समय ऐसा लाभ हो रहा है, यानी कि सही तौल जो होगा, सही तौल 5 का होगा, तो गलत तौल कितने का होगा? गलत तौल 4 का। सीधा उलट दीजिएगा, आज कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। एक था वहां पर ध्यान दीजिएगा गृहिणी के खर्च वाला, प्रतिशत वाला, यहां पर भी पलट दे रहे हैं। सीपी और एसपी जो आएगा 1/4 लाभ होगा, तो 4 रुपए में खरीदेंगे 5 में बेचेंगे, यानी कि 4 रुपए में खरीदे होंगे और 5 रुपए में बेचे होंगे। इसका मतलब कि अगर मुझे पता लगाना है कि सही तौल और गलत तौल क्या हुआ था, क्योंकि यहां पर क्या कर रहा है, बेईमान विक्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है भाई, अगर सॉरी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कि जितना मैं खरीदा हूं उतना ही में, और फिर भी लाभ कमा रहा है, यानी कुछ तो झोल है। और ये कह रहा है कि कैसे लाभ कमाएगा, तो बोल रहा है कि 1 किलोमीटर के बदले वो गलत वजन तोला है, तो कितना गलत वजन तोला है ये अगर पता लगाना है तो क्या कीजिए, सिंपली पहले लिखिए कि सीपी कितना और एसपी कितना, फिर सही तौल लिखिए और गलत तौल। कैसे लिखेंगे? इसी को पलट देंगे, जो सीपी है सो गलत तौल और जो एसपी है सो सही तौल, कभी गलती नहीं होगा ये। अगर इसको समझना है तो क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आपको क्लास में मौजूद रहना है। कितना सही तौल है? एक सही तौल 1 kg है, 1 kg के जगह पर कितना गलत तौल रहा है? 4, यानी 5 बराबर कितना है? 1 kg इतना ग्राम, और गलत तौल कितने का? 4 का, तो यहां पर कट जाएगा कितने बार में? 200, 4×2=800 ग्राम आपका गलत तौल हो जाएगा। देखो जानते हैं कोई चीजें जो है ना तुरंत आपको जो दिखता है सिंपल, लेकिन इसके लिए समझना होगा प्रॉपर रूप से। ये टॉपिक है कि ऐसे है, होता है क्यों होता है, अगर रटने के लिए केवल याद रखिएगा, बेचते समय कभी भी सीपी और एसपी निकालिए और उसी को पलट दीजिए, सही तौल और गलत तौल निकल जाएगा। सवाल अगला देखते हैं, प्रश्न कह रहा है कि 15 पुरुष
15 पुरुष 8 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिन में पूरा करता है, 3 महिला, महिलाओं का काम 2 पुरुषों के काम के बराबर हो। देखो 3 महिला है वो 2 पुरुष के बराबर काम कर रहे हैं, मतलब 3 औरतें मिलकर 2 पुरुषों के, यानी कि औरतें कम क्षमतावान हैं, यानी औरतों का क्षमता 2 और पुरुषों की क्षमता 3 होगा। अब यहां पर ये जो मिश्र समानुपात का सवाल है, इसमें क्या करना होता है, टोटल वर्क को नीचे रखेंगे और जो भी पर्सन्स हैं या फिर जो काम को करने में मदद कर रहे हैं, जैसे पुरुष है या 8 घंटा करेगा हर दिन तो वो हुआ, या 21 दिन में करेगा, ये सब सारे काम करने के कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। तो जो काम करने की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे उसे ऊपर रहेगा और काम नीचे रहेगा। 15 पुरुष ऊपर रख रहे हैं, घंटा प्रतिदिन जो करते हैं 8 ऊपर रखेंगे और दिन जो होगा वो ऊपर रखेंगे, काम जो कर रहे थे वो नीचे, यानी काम तो एक ही है तो यहां पर नीचे कुछ रखने वाला बात है नहीं, कई बार दुगुना तिगुना काम कर देता है उसको रखेंगे। फिर दूसरा कह रहे 3 महिलाओं का, अच्छा यहां पर 5 पुरुष हैं, ये 15 पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं अगला में दे रहा है कि ये तो स्टेटमेंट दे दिया कि ये वाला ठीक है ना, कि 3 औरतों के बराबर 2 पुरुष, यहां पर 21 महिलाओं को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को पूरा करना है। कितने महिलाएं, 21 औरतें, कितने घंटे प्रतिदिन, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे, मान लूंगा 1 दिन में। अब दिक्कत है कि यहां पर औरत की क्षमता 2 और पुरुष की क्षमता 3, इसको पुट कर देना होगा यहां पर, यानी कि इसके जगह पर आप लिखिएगा 3 और इसके जगह पर 2, जो भी काट पीट के आता है आपका आंसर हो जाएगा। और आप बेहतरीन काटते हैं, ये काटेंगे इससे 3 से कटेगा, 3 दुना 3 से कटेगा आपका 2 चौका 8 और इधर कट जा रहा है आपका 4 3 12 6 2 12 15 दुना 30, जो भी काट पीट के आएगा आपका आंसर होगा। तो बात है कि अगर वर्क होता तो नीचे रखते हैं, नहीं तो केवल क्षमता वाले जो भी हैं, जैसे पुरुष हैं, दिन प्रति घंटा है, सब ऊपर रखते हैं। ये तमाम सवाल अगर जो बनाते होंगे, ये बेसिक सवाल हैं, सब लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 2 ट्रेन एक ही समय पर आगरा से पटना जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आगरा से पाटलिपुत्रा, आगरा से पटना एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, 16 के चाल से एक और दूसरे का 12 के चाल से, इधर से चला है 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, उधर से चल रहा है 21 किलोमीटर, 12 नहीं बल्कि 21 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। जब ये दोनों चलते हैं तो ये मिलते हैं, यानी कि जब तक ये 16 यूनिट चलेगा और तब तक ये 21 यूनिट चल जाएगा, जब मिलेगा तो, चूंकि जब एक घंटा में 21 चलता है तो एक घंटा में कितना चलता है, 16 चलता है, यानी कि अगर आगरा और पटना की, कहता है कि किस के चाल से चलते हैं, जब आपस में मिलते होंगे तो उस समय पाया गया कि एक दूसरे से 60 किलोमीटर अधिक चल जाते हैं। कौन बोल रहा है, कह रहे कि तो उस समय पाया जाता है कि, क्या पाया जाता है, उस समय पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेती है। हम देख रहे हैं कि अगर दोनों बराबर समय तक चलता है तो ये 16 दूरी चलता होगा, तो ये कितना दूरी चल जा रहा है, 21 दूरी चल रहा है, यानी कि ये इससे कितना दूरी अधिक चल पा रहा है, 5 अधिक चल पा रहा है, और ये 5 है सो कितना है, 60 है, 5 अगर 60 है और टोटल दूरी, कुल दूरी पूछ रहा है, और कुल दूरी मैं देख रहा हूं कि ये एक घंटा का है या एक यूनिट का ले रहे हैं, तो ये 16 चल रहा है तो 21 चल रहा है, यानी टोटल दूरी जो है इसका आपका 37 चल रहा होगा, ठीक है, और 5 से कट जाएगा 12 बार में, और 3 से गुना करेंगे तो 111 और 4 से गुना करेंगे तो 444, जैसे भी गुना करना है करिए, आंसर आएगा इसका 1। समझना क्या जरूरी है, सर ये एक एक घंटा का क्यों ले लिए, इसीलिए क्योंकि बराबर समय में चलता तो ये 16 यूनिट चलता तो ये 21 यूनिट चलेगा, और टोटल यूनिट कितना चल पा रहा होगा, ये 37 यूनिट चल रहा होगा, लेकिन कितना ज्यादा चल पा रहा होगा, 5, 5 बराबर हमारा कितना दे रखा है, 60, तो 37 बराबर कितना, तो 444। आज हर इतना ही, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और आगे पढ़ते रहेंगे। आने वाले समय में ये जीडी तो एक बहाना है बाबू, 12th पर का CHSL तमाम एग्जाम लेने वाला है, इवन कि जिनका खुन्नस रह गया होगा दरोगा का वो भी आने वाला है, तमाम वैकेंसियां अभी आने वाले हैं, सरकार मिशन मोड पर है, हम लोग भी मिशन मोड पर हैं, आपका साथ चाहिए, लगातार बने रहिए, परिवार को खुश रखने के लिए कुछ दिन कष्ट करना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।